हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता और आज हम करेंगे स्टोरी सम्स, जिसको हम स्टेटमेंट सम्स भी कहते हैं। बच्चों को समझाएं कि पहले जैसे आप स्टोरी सुनते हो, ऐसे एक स्टोरी सम्स भी होते हैं। सिंपल एडिशन सिखाने के बाद हम स्टोरी सम्स करते हैं। अब देखो, एक पिक्चर है, पहले बच्चे को स्टोरी के समझाएं कि क्या होता है। कोई भी पिक्चर ले लें, उससे मिलते जुलते बच्चों को क्वेश्चन पूछें। वन कार ऑन द शेल्फ, एक बार देखो शेल्फ पे है। और सेवन कार्स ऑन द फ्लोर, सेवन क्लॉर फ्लोर पे है। तो टोटल कितनी कार्स हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसको या हम ऐसे भी कर सकते हैं, या बड़े नंबर को 7 को अपने माइंड में रख लो और 1 को काउंट करो। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सम इज फोर शूज हैं जो ऊपर वाली शेल्फ पे हैं, एंड टू शूज आर ऑन द बॉटम, टू शूज बॉटम वाली शेल्फ पे थे। हाउ मेनी शूज आर देयर? सिक्स शूज। नाउ ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को अपने माइंड में रखो, 2 को फिंगर पे काउंट रखो, आंसर इज 6। 1 टेडी बियर इन द चेयर, एक टेडी बियर चेयर पे है, एक शेल्फ पे है और एक जमीन पे है। अब आप बच्चे को ये भी समझा सकते हो कि नंबर ऑफ सेम थिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, वो 2 जगह पे भी हो सकती है, 4 जगह पे भी हो सकती है। जैसे हमने पहले हॉरिजॉन्टल और वो समझाया था वर्टिकल। नाउ 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 3। नाउ 5 बुक्स आर ऑन द शेल्फ, 5 बुक्स हैं जो शेल्फ में पड़ी हुई हैं और एक बुक है जो सोफा पे पड़ी हुई है। तो टोटल कितनी बुक हो गई? 6 बुक्स। 5 + 1 = 6। स्टेटमेंट में सीधा पहले बच्चे को ये ना सिखाएं कि पूरी लाइन लिखे, बच्चे को पहले ये समझाएं कि स्टेटमेंट जो नंबर्स हैं उसको लिखें, फिर उसको एड आउट कर दें, उसके बाद उसके स्टेटमेंट सम पे आए कि 5 बुक्स ऑन द शेल्फ, 1 बुक ऑन द शेल्फ इज इक्वल टोटल सो बुक्स इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 6 आर इन द गार्डन। अब हमने एक ही उसे रिलेटेड स्टोरी पिक्चर से रिलेटेड उससे क्वेश्चन किया था। अब हम हर एक स्टेटमेंट सम के लिए लगभग पिक्चर डिस्क्राइब करेंगे। 6 आंट्स इन द गार्डन, आंट एक गार्डन में 6 आंट्स हैं, 1 एक और ज्वाइन होकर गई उसके साथ। देयर आर कितनी आंट्स हो गई? 6 + 1 आंट्स। अब आपने ये देखा होगा कि हमने पहले बच्चे को नहीं बोला था कि कोई भी वर्ड लिखना, अब हमने बच्चे को पढ़ के लिख के और देयर आर, अब बच्चा क्या लिखेगा? देयर आर स्टेटमेंट लिख के आंट्स इन ऑल, फिर बच्चे को लाइन के साथ लिखना सिखाएं और उसको ये भी बताएं कि वर्टिकल कैसे लिखना है। वर्टिकल मतलब ऊपर से वर्टिकल ऑर्डर में, स्टैंडिंग लाइन में, और हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन में उसको कैसे लिखना है, दोनों तरह बच्चे को आना चाहिए। नाउ 2 कैट्स आर अंडर द टेबल, 2 कैट्स के नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। अब बच्चा क्या लिखेगा? 2 + 4 अकेला नहीं लिखेगा, बच्चा क्या लिखेगा? देयर आर 2 + 4 इक्वल इन ऑल, इन ऑल। हमने पहले बताया था कि किस स्टेट में इन ऑल, टोटल टुगेदर, जब ये टर्म्स हों तो हमने क्या टोट करना होता है? प्लस। नाउ उसमें वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। अजय हैज 3 बुक्स, अजय के पास 3 बुक्स हैं, उसकी ग्रैंड माँ ने उसको 3 और बुक्स दे दी, तो हाउ मेनी बुक्स अजय हैव? 3 + 3 = 6 बुक्स। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नाउ 5 बर्ड्स ऑन द ब्रांच, 5 बर्ड एक ब्रांच पे हैं और 3 बर्ड दूसरी ब्रांच पे हैं। देयर आर 5 + 3 = 8 बर्ड्स इन ऑल। नाउ 5 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, 5 आर वॉकिंग अवे, 2 बाहर चले गए, तो अभी और 2 बाहर से अंदर और आ गए। 5 + 2 = 7 स्टूडेंट्स इन ऑल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।